नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं, इस समय युवाओं में रील बनाने का क्रेज सर चढ़कर बोल रहा है। जो युवा रील बनाते समय अपनी खुद की सुरक्षा का ध्यान नहीं रख पाते और कभी कभी हादसों का शिकार हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि रेलवे के अंदर महिलाओं के, युवतियों के बिना उनकी अनुमति के फोटो खींचने के वीडियो बनाने के वीडियो, साथ के साथ में डांस करने के वीडियो, और इससे भी बढ़कर ट्रेन के दरवाजों पर खड़े होकर के स्टंट करने के वीडियो, रेलवे की पुलियाओं पर स्टंट करने के वीडियो, और साथ के साथ में रेलवे के जो पुल होते हैं जिन पर के स्पष्ट लिखा होता है कि यहाँ पर वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी करना मना है, उसके बावजूद चलती ट्रेन से लोग स्टंट करते हुए नजर आते हैं और नदियों में कूदते हुए नजर आते हैं। ऐसे में हम लोग आ चुके हैं मथुरा के जीआरपी थाना प्रभारी संदीप तोमर के पास और उनसे जानेंगे कि आखिर किस प्रकार से वो युवाओं को अपनी बात सामने रखना चाहते हैं कि वो ऐसा करें या ना करें, और साथ के साथ में जानेंगे कि किस प्रकार के ऐसे युवाओं के लिए जो रील बनाने के लिए अपनी जान तक से खेल जाते हैं कानूनी प्रावधान है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति कहीं पर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी या फिर स्टंट या फिर कहना चाहूंगा यूट्यूब के लिए रील बनाता हुआ रेलवे क्षेत्र में पाया जाता है जो कि प्रतिबंधित हो, उन लोगों के खिलाफ कैसी कार्रवाई की जाती है? ऐसा अगर मेरे संज्ञान में आएगा तो मैं बिल्कुल एकदम लोगो साइंस के आधार पर आवश्यक नियमानुसार कार्रवाई करूंगा, जेल भेजूंगा, और जो भी विधिक कार्रवाई मेरे द्वारा की जा सकती होगी कानून के दायरे में मैं अवश्य करूंगा। अगर कोई भी व्यक्ति मेरे संज्ञान में किसी भी लिखित या मौखिक तौर पर देखा गया या वीडियो मेरे पास वायरल हुई तो हाँ अवश्य ही मैं कठोर दंडात्मक कार्रवाई करूंगा। सर, आपने बात की युवाओं की, युवाओं के माता पिताओं से क्या कहना चाहेंगे जिनके बच्चे इस वक्त उनको पता नहीं है कहाँ पर है, किस प्रकार के वीडियो बना रहे हैं? आपने देखा होगा हाल में ही कई बच्चे ऐसे हैं जो कि वीडियो बनाने के चक्कर में दुर्घटनाओं के शिकार हुए हैं। माँ बाप से मेरी यही अपील है कि अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें। बच्चा समय अनुसार अगर घर से बाहर जाता है तो उससे अवश्य पूछा जाए कि बच्चा इतने समय कहाँ रहा, क्यों रहा, किसके साथ रहा, क्योंकि बच्चों पर माँ बाप का कंट्रोल अगर नहीं होगा तो बच्चे इस तरह का कृत्य करेंगे। अगर माँ बाप उन्हें समझाएंगे और उनके साथ बैठ कर इस तरह की घटना के संबंध में, उसकी जान जाने के संबंध में, उसकी शिक्षा के अभाव के संबंध में अगर उनसे बैठ के वार्ता करेंगे तो संभावना है कि बच्चा सुधरेगा। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर डाए की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध, OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। KD मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।